पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र से लगे हुए महू के डोंगर गांव थाना क्षेत्र में लड़की के साथ हुए दुष्कर्म हत्या और बाद में हुए गोलीकांड को लेकर पीथमपुर शहर कांग्रेस ने महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार प्रताप कुमार अगासिया को ज्ञापन सौंपा है। मृतक के परिवार को 50 लाख और जिस पुलिस कर्मी की बंदूक से गोली चली है उस कर्मचारी पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। ज्ञापन लेकर तहसीलदार प्रताप कुमार अगासिया ने आश्वासन दिया कि कार्यवाही हेतु आवेदन आगे प्रेषित किया जाएगा। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। जो ज्ञापन दिया है क्या संदर्भ है इसका और क्या मांगे हैं? अभी 2 दिन पहले की घटना है। महू तहसील का गांव बड़गोंदा, वहां पर एक बालिका के साथ में अपहरण कर रेप का मामला हुआ है। उसमें रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए डोंगर गांव जब वो लोग सब आए तो वहां पर पुलिस वालों की तरफ से आंसू गैस और हवाई फायर का किया गया। उसमें सीधे गोली एक बालक को लगी जिसकी निर्मम हत्या हो चुकी है। उसी संदर्भ में आज महामहिम राज्यपाल के नाम हम ज्ञापन देने के लिए माननीय एसडीएम साहब के पास आए हैं और उन्हें इस विषय में ज्ञापन दिया है। जिनके हाथ से गोली लगी है उस पुलिसकर्मी को कठोर कारावास हो और जो क्षति हुई है उस बालक की उसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। इस संदर्भ में हमने आज शहर कांग्रेस की ओर से यह ज्ञापन दिया गया है। नाम बता दें। शहर कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश सेन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।